हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे Redmi Note 10 सीरीज के बारे में। तो कुछ दिनों पहले इस फोन के बारे में कुछ ऐसे लीक्स आ रहे थे कि आने वाले दिनों में Redmi Note 10 सीरीज के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस में यानी कि अपर फ्लैगशिप फोन के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस मिलता है, ठीक उसी तरह से इस बार Redmi Note 10 सीरीज के अंदर भी आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और साथ में इस फोन में आपको और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसके वजह से इस फोन में आपको और भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बिल्कुल नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो है स्नैपड्रैगन 750G का। और ये जो प्रोसेसर है मिड रेंज फोन के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा। और साथ में यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा जिसके वजह से जो स्मूथनेस है और भी ज्यादा बेहतर इस बार Redmi Note 10 सीरीज में मिल जाता है। तो ये जो स्पेक्स है बहुत हद तक सिमिलर है पोको X3 के साथ, यानी कि पोको X3 में भी आपको कुछ इस तरीके का फीचर देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पर फ्रंट में इस बार आपको एक पंचुअल देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पीछे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिलेगा और शायद यहाँ पर आपको क्वाड या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे देखने को मिल सकता है। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और वो भी पंचोल के साथ। तो यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh का बिग बैटरी देखने को मिलेगा। साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इस बार Redmi Note 10 सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो ये जो स्मार्टफोन है सबसे पहले लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर, यानी कि इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन वो सबसे पहले आपको चाइना में मिलेगा। और जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो शायद इसके अंदर आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक इंडिया में 5G नहीं आया है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये फोन 5G सपोर्ट के साथ इंडिया में लॉन्च होगा। सो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रोसेसर इंडियन वेरिएंट के लिए देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में कि ये जो Redmi Note 10 सीरीज होगा इसका प्राइस इंडिया में कितना हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी स्पेसिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं ये सभी आपको चाइनीज वेरिएंट में देखने को मिलेगा। सो इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा वैरी कर सकता है, लेकिन अगर हम रफली बात करें तो Redmi Note 10 सीरीज का प्राइस आपको लगभग 15,000 से 17,000 के आसपास इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इनके प्राइस थोड़े से इंक्रीज हो चुके हैं। तो फिलहाल इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, यानी कि इसी साल एंड में आपको ये ऑफिशियली चाइना के अंदर देखने को मिल जाएगा और शायद अगले साल आपको ये फोन इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको Redmi Note 10 सीरीज के बारे में क्या लगता है आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।